पुई साग ऐसा एक साग है जो खाने से शरीर में बहुत ज्यादा ताकत मिलते है। यस फ्रेंड, आपने सही सुना है, पुई साग खाने से शरीर में ताकत मिलते है। क्यों? क्योंकि पुई साग में लॉट्स ऑफ आयरन होते हैं, यानी आपके शरीर में खून की कमी है तो ये पुई साग आपको जो खून की कमी है शरीर में उसे फुलफिल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी खुश हूँ। आज मैं आ गई हूँ एक हेल्दी नया रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड, आपको तो पता ही है कि पुई साग ऐसा एक साग है जो सिर्फ टेस्टी नहीं है, टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है। तो ये पुई साग की रेसिपी आज मैं बनाऊंगी सीताफल और आलू के साथ। बहुत स्वादिष्ट है और हेल्दी है। बहुत ही कम मसाला से और लेस ऑयल से बनाऊंगी। फ्रेंड, ये वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि पूरा वॉच करोगे फिर ना आप सीख पाओगे कम मसाला में और लेस ऑयल से कैसे हम लोग खाना को बना सकते हैं। पुई साग को ग्रो करवाने के लिए ना फ्रेंड ज्यादा फर्टिलाइजर या मैनुअल की जरूरत नहीं होती है, यानी ये बहुत ही नेचुरली अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और ये पुई साग मैंने मेरी टेरिस गार्डन में यानी छत पे गमला में मैंने उगाई, तो इसलिए ये बहुत टेस्टी है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर नहीं लगते हैं। और इसे मैं आज आलू और सीताफल के साथ बनाऊंगी। और मैंने इसमें ले लिया है हरा मिर्च और दो बड़ा सा प्याज। फ्रेंड, मैं पहले भी बताई अभी भी बताती हूँ, फ्रेंड ये पुई साग सिर्फ साग नहीं है, खून बनाने का एक मशीन भी आप कह सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, आज ज्यादा बातें नहीं, फटाफट हम लोग चले जाते हैं रेसिपी की तरह। सबसे पहले मैंने कढ़ाई पे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों की तेल मैंने दे दी, जैसे ऑयल मेरा गर्म हो जाए। एंड देन सबसे पहले मैंने आलू को इसमें नमक और हल्दी के साथ फ्राई कर लूंगी। जैसे आलू 60% फ्राई हो जाए एंड देन फिर मैं इसमें सीताफल को ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हल्दी के साथ, फिर इसको भी मैंने फ्राई कर लूंगी। आलू और सीताफल मेरा फ्राई हो चुका है, इसे मैं अलग से एक प्लेट में सेपरेट कर लूंगी। फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ही जल्दी फटाफट बनके तैयार भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। घर पे एक बार जरूर ट्राई करना। फ्रेंड, पुई साग ऐसा है एक हेल्दी साग है, तो इसे ज्यादा मसाला बिल्कुल भी मत ऐड कीजिए। तो फिर मैंने उसी कढ़ाई पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दी और मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए मैंने क्या ऐड करूंगी, इसमें मैंने एक तेज पत्ते, सूखा मिर्च और पांच फोरन। एंड देन मैंने इसमें कटे हुए प्याज को ऐड कर दूंगी एंड थोड़े टाइम के लिए लो फ्लेम में इसे मैं सॉटे होने दूंगी। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी देने के बाद मैंने इसे एक मिनट के लिए सॉटे की, वो भी लो फ्लेम में। एंड देन मैंने इसमें कटे हुए जो पुई साग है उसे भी ऐड कर दूंगी। मैंने हल्दी को पहले दे दिया था, तो इसलिए मैंने साग के ऊपर ही थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दी। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपको सॉल्ट ऐड करना है। एंड देन इसे आपको लो टू मीडियम फ्लेम में कुक होने दीजिए। इस समर सीजन में पुई साग मार्केट में अवेलेबल है, तो आप मार्केट से भी खरीद के ला सकते हो। क्योंकि इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ, पुई साग ऐसा एक साग है जो पुई साग ग्रो करवाने के लिए आपको बिल्कुल भी कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है, यानी किसान लोग इसे ना ऐसे ही ग्रो करवाते हैं। चाहे आप गमले में भी इसे ग्रो करवा सकते हो, तो इसका जो सीड है ना आपको मिल जाते हैं मार्केट में, तो वो सीड लाकर आप गमले में दे दीजिए। 15 दिन के अंदर ही आप देखोगे इसमें से छोटा छोटा पौधा निकल आए हैं। तो देखिए, बातें करते करते जैसे मैं आप देखोगे ना कि पुई साग आपका
50% कुक हो गए तो देन उसमें आपको फ्राई किया हुआ पटाटो यानी आलू और सीताफल को ऐड करना है, हरा मिर्च को ऐड करना है। ये मेरा एकदम तैयार हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं फ्रेंड, लेकिन बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, जरूर घर पे एक बार ट्राई करना। इस पुई साग को मैं मेरी छत पे कैसे ग्रो करवाई गमले में वो भी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगी। तो फ्रेंड मेरे साथ बने रहिए ऐसे नए नए रेसिपी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड आई होप आज का जो रेसिपी है आपको पसंद है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं और एक नया यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड। आप लोग अच्छी रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी खाना बनाइए, खुद खाइए, फैमिली वालों को खिलाइए। फिर मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।